ਕਿਹਦੋਂ प्यार कर कभी रिश्ता जी कहलाने के बाद
सर्वस्तानी पिता प्रकाश गुरपुरब जो बड़ी भावना के नाम समुचा सिख जगत मना रहा है हर साल की तरह हाँ जी प्रधान जी इधर हाँ सर बेटा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अमृतसर दे समूह इलाका वासियां नू सारे नागरिकां नू गुरपुरब दी लख लख वधाई होवे और हर साल दी तरह चीफ खालसा दीवान दे वेहड़े दे विच सारियां ही संगतां सज गईयां हन अते अज असी नगर कीर्तन वास्ते तैयार हाँ। किस जिहड़े हालात ने इस तरह दे कि असी बच्चों इस वारी नगर कीर्तन विच नहीं लेके जा रहे, हालांकि सानू बहुत सारे बच्चों दे अते उन्हां दे परिवारां दे टेलीफोन भी आए ने कि सानू इजाज़त दिती जाए, पर बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स असी उन्हां नू नहीं लेके जा रहे। असी उन्हां नू बहुत मिस कर रहे हैं और अज सारी संगतां दे समूह इन्हां दे सिर दे उत्ते वाहिगुरू दा गुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दा उन्हां दा आशीर्वाद रहे और एक बारी फिर सारे संगतां नूं गुरपुरब दी लख लख वधाई होवे। जी सिंह साहब जी कहोगे कि खालसा दीवान वल्लों जिहड़ा हर साल दी तरह जिहड़ा दशम पिताजी दा गुरपुरब मनाया जांदा उहदे संबंध च नगर कीर्तन कढ़िया जांदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब इकबाल अमृत के दाते सरबंसधारी पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का 354वां प्रकाश गुरपुरब जो कल मिती 20 जनवरी नूं बड़ी भावना दे सहत मनाया जा रहा है। इस तहत ही अज श्री अकाल तख्त साहब जी तो भी नगर कीर्तन की प्रारंभता होनी है अते चीफ खालसा दीवान वालों भी हर साल बड़ी भावना दे सहत नगर कीर्तन कढ़िया जाता है। ये साडे सिख पंथ की सब तो पुरानी जथेबंदी है चीफ खालसा दीवान। चीफ खालसा दीवान समय समय अनुसार सिक्खी के प्रचार प्रसार वास्ते बहुत यतन करते हैं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने मात लोक विच आ के जेड़े निमाणे नताड़े हुए लोग सीगे उन्हां गले ला के और उन्हां बहुत वड्डा मान सत्कार दिता। सतगुरु पातशाह जी ने संसार भर के अंदर दुनिया के उत्ते बहुत वड्डे परोपकार किए। सतगुरों का प्रकाश गुरपुरब बड़ी भावना श्रद्धा सहित मनाया जा रहा है। समुची लुकाई नूं बहुत बहुत वधाइयां चीफ खालसा दीवान दे समुची मैनेजमेंट नूं
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।